हेलो जी, नमस्ते, सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, बात करते हैं जी आज की वीडियो की। भाई वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज ट्राई करने जा रहा है जी भाई चिकन कोशा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये चिकन के लेग और थाई पीस है, जिसमें से एक लेग पीस मैंने किटी को दे दिया, जो हमारी बिल्ली है जो बच गया वो बना रहे हैं। इसमें डालेंगे जी नमक। भाई बताना चाहता हूँ, उसको कट मैंने पहले के मार दिए हुए हैं, टाइम क्यों वेस्ट करना आपका। तो डालो जी नमक भाई स्वाद अनुसार, एक चम्मच लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी यानी हल्दी, 2-3 टेबलस्पून मस्टर्ड तेल भाई डाल दो। तो जी इसे चंगी तरह से मिला लो। ये जी 1 किलो है जी लेग और थाई। तो दोस्तों भाई मैरिनेशन हो गई है, तो आप करीब 1 घंटे के लिए इसको भाई रेफ्रिजरेट कर लो, फ्रिज में रखो। दोस्तों भाई नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से, जी तेल मैंने डाल दिया जी, मस्टर्ड तेल करीब 12-13 टेबलस्पून होगा ये, ठीक है जी। तो इसमें हमने भाई आलू फ्राई करने हैं जी, ठीक है। मैं डाल रहा हूँ जी सबके सब आलू, या आधा किलो आलू, आधा किलो। तो इन्हें केवल हमको बाहर से ब्राउन करने का है, मतलब पूरा फ्राई नहीं करना, केवल बाहर से ब्राउन करना है बस, हाई फ्लेम पे। तो दोस्तों भाई जो अपने आलू है जी वो हाफ फ्राई हो गई, इनको मैं बाहर निकालता हूँ। तो दोस्तों आलू तो मैंने निकाल दिए, मैंने अब गैस का फ्लेम लो कर दिया है, थोड़ा तेल को ठंडा कर दिया है, ठीक ही है। तो इसमें डालेंगे जी हम एक दालचीनी, जिसके मैंने 3 टुकड़े कर दिए हुए हैं जी, 2 तेज पत्ताज, 2 बड़ी इलायचियाँ, 5 छोटी इलायचियाँ, 2 लौंग, कश्मीरी लाल मिर्चें ड्राई वाली, 1 चम्मच जीरा। तो जी गैस का फ्लेम मैं हाई कर रहा हूँ, तो इसे थोड़ा भूनता हूँ ताकि जो खुशबू वो बाहर आए जी। मसालों से खुशबू आना स्टार्ट हो चुकी है। अब मैं इसमें डाल रहा हूँ जी जिंजर गार्लिक और हरी मिर्च का पेस्ट। पेस्ट नहीं, मैंने इसे कूटा हुआ है, ठीक है, मिक्सर में ग्राइंड किया है, कूटा हुआ है देखो इस तरह से। तो जी इसे भी अब मिला मलू लो। अब इसे करीब 10-20 सेकंड तक भून लो। दोस्तों एक गलती होगी मुझसे, जो चीज़ पहले करनी थी मैं वो कर रहा हूँ। भाई मसालों से पहले मुझे इसमें चीनी डालना था यार, तो सॉरी मैं वो डाल रहा हूँ भाई, 1 चम्मच चीनी। भाई आप गलती ना करना, या वो तेल भी डालना है, ठीक है जी, और उसी में आपको मिला मलूना है। तो भाई मसाले मसूलों भुनने के बाद अब डालेंगे जी प्याज। भाई ये करीब 4 प्याज है जी, ठीक है जी। तो जी मिला मलू लो जी इसे भी अच्छी तरह से। तो इसे अब हल्का ब्राउन होने तक आप पका लो। तो दोस्तों भाई प्याज अपने जी पिंकिश ब्राउनिश हो गए हैं जी। अब मैं गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ। इसमें डालेंगे जी 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, शूट की बार हल्दी, ठीक है जी। इसे अब हम धीरे धीरे मिलाएंगे, क्यों, अभी तेल बहुत गर्म है, कहीं सट सूट ना जाए हमारा मसाला। तो चुंदर मिला लो। तो जी गैस का फ्लेम हाई करो और इस मसाले को करीब 1-1.5 मिनट तक भाई भून लो। तो जी मसाला जी अपना पक गया प्याज वाला। अब डालेंगे जी टमाटर। भाई ये 3 टमाटर जी कटे हुए हैं, डाल दो जी डाल दो। तो जी इसे चंगी तरह से एक बार मिक्सअप कर लो, और लगे हाथ स्वाद अनुसार नमक भी डाल दो। अब गैस का फ्लेम मैं लो कर रहा हूँ, इस पे ढक्कन रख रहा हूँ और 10 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगा इसे। दोस्तों भाई 10 मिनट हो गए, अरे तो अभी गैस का फ्लेम लो ही रहने दो। भाई इसमें डालेंगे जी 1.5 चम्मच भाई सौंफ का पाउडर, 1 चम्मच जीरे का पाउडर, 1.5 चम्मच धनिए का पाउडर। तो जी मिला मलू लो चंगी तरह से। इस मसाले को अब करीब 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लो। तो जी 2-3 मिनट हो गए मैंने मसाले को पकते हुए जी। अब करना क्या है जी, गैस का फ्लेम लो कर दो, डाल दो जी सारे का सारा मैरिनेटेड चिकन डाल दो जी। ओए तो जी इसे चंगी तरह से मिला मलू लो। तो जी मैंने मिला मलू दिया जी, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, अब गैस का फ्लेम हाई कर दो और इसे करीब 5 मिनट तक कड़छी चलाते चलाते भून लो। तो दोस्तों भाई 5 मिनट मैंने पका लिया जी इसे हाई फ्लेम पे। मैं गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, ढक्कन रख रहा हूँ, और इसको करीब 7-8 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगा। दोस्तों 8 मिनट हो गए, चक लो, डाल दो जी सारे आलू। अब मिला लो जी, अब मिला लो चंगी तरह से। तो जी आलू मिलाने के बाद अब डालेंगे जी इसमें हम गरम मसाला करीब 2 चम्मच। तो जी इसे भी अब मिला लो। तो जी मसाला मिलाने के बाद अब करीब 2 मिनट तक इसे आप थोड़ा पकने दो आप हाई फ्लेम पे, ठीक है नहीं। तो जी 2 मिनट हो गए, अब मिलाने जा रहा हूँ जी मैं करीब इसमें 1 गिलास पानी मिला लो। अजी अब हाई पानी डाल के हम एक उबूल का वेट करेंगे। तो दोस्तों उबूल आ चुकी है जी। मैं गैस का फ्लेम लो कर रहा हूँ, इस पर ढक्कन रख रहा हूँ करीब 15 मिनट के लिए मिनिमम, बाद में देख लेंगे। तो दोस्तों भाई 20 मिनट हो गए, 20 मिनट लो जी चक लो। ओए होए होए तो खूबसूरत लग रहा है। अब मुद्दा ये है कि पहले देखे आलू गला या नो गला। आए गल गया, ओए चल देखो देखो ये देखो जी गल गया, ठीक है जी। तू चढ़ जा साइड पे, अब देखते जी चिकन गला या नो गला। आए आए चिकन भी गला, ओए तू भी आ जा साइड पे। तो अब करना क्या जी,
अब मैं केवल 5 मिनट के लिए इसे ना हाई फ्लेम पे थोड़ा पकाता हूँ और ग्रेवी को थोड़ा शॉर्ट करता हूँ, केवल 5 मिनट के लिए, उससे ऊपर बिल्कुल ही नहीं। तो लो दोस्तों, भाई ग्रेवी शॉर्ट हो चुकी है, भाई बनके तैयार है, करते हैं टेस्ट। तो दोस्तों भाई बनके तैयार हो गया जी अपना भाई चिकन कोशा। हाँ भाई, लेकिन चिकन कोशा खाने से पहले मैं आप सबसे तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि आपके कमेंट्स का मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, खासकर उनका जिनका सबसे पहले कमेंट आया था, उनके तो बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर पाया। एक का भी शायद आई थिंक कर पाया होगा। वो क्या हो रहा था कि जब मैं स्क्रॉल कर रहा था, पता नहीं क्या बोलते हैं जी, ऐप बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, उस एडिटर के ऊपर जो करते हैं जहाँ कमेंट का मैं रिप्लाई करता हूँ, वो इतना लैग कर रहा था, इतना हैंग कर रहा था कि मैं बिल्कुल भी आंसर दे नहीं पाया किसी का। रियली सॉरी, मुझे प्लीज़ माफ़ कर देना। और जिनका पॉसिबल हो पाया था उनका मैंने दे दिया था, तो मुझे प्लीज़ माफ़ करना, बुरा नहीं मानना प्लीज़। हाँ तो भाई चलो देखो भाई बना कैसा है। भाई देखो ये है जी सीन, सारा सीन देख लो आप। हाँ कोशे का लास्ट टाइम हमने मटन कोशा खाया था, पता नहीं कब खाया था, मैंने पहले वो खाया था जी, कब खाया था। हाँ बड़ा ज़बरदस्त बना था, बड़ा ही ज़बरदस्त। अब देखते हैं कि ये कैसा बना हुआ है। तो भाई साथ में और क्या लिया जी, साथ में कुछ नहीं लिया, आज दही लिया, दिया दही, ये घर का बना दही, देखो पानी ऐसा ना पानी ऐसा छोड़ो जी इसे क्या करना। तो भाई सबसे पहले क्या किया जाए, सबसे पहले ग्रेवी निकाल के टेस्ट की जाए। हाँ भाई ग्रेवी आ जाए, इज्जत से आ दो, बड़ा गर्म है, बड़ा गर्म है भाई। तो आओ भाई, थोड़ा और टेस्ट करना पड़ेगा। ग्रेवी ठीक है, मतलब कि इतना, मतलब कि अब क्या ही बोलूँ यार, मतलब ठीक है। अब देखते हैं भाई पीस कैसा है, मुद्दा पीस का होता है ना यार। भाई कौन सा पीस निकालेंगे, हाँ लेग का पीस, आ भाई लेग तू ही आ जा, आ भाई इज्जत से आ तू। इसे खाते हैं कैसे भाई, लगा लगा के। ठीक है, मतलब चिकन के साथ भी टेस्ट ठीक आ रहा है। ग्रेवी मतलब कि ग्रेवी, ग्रेवी कैसा है कि ग्रेवी ना इतना वो नहीं है, मतलब कि ना टॉप नॉच नहीं है, टॉप नॉच बोलते हैं वही ही। क्या मालूम लेग ने जस्टिफाइड ना किया हो, है ना। भाई थाई तू आ जा। अच्छा मैं बताना भूल गया जी आपको, आज मैंने आपके कहने पर ना वो धूप बत्ती जला कर रखी है जी अपने अगल बगल, शायद धुआं आ रहा हो इन मक्खियों के लिए, लेकिन कुछ इतना असर नहीं कर रही है। आओ जी थाई देखते हैं, थाई से कुछ क्या मालूम थोड़ा टेस्ट में चेंज आ जाए, कुछ कह नहीं सकते ना। वही कह रहा है थाई भी, वही कह रहा है। मतलब कि मुझे क्या लगता है भाई, कुछ ना कुछ गलती तो मैंने की ही की है, जिस कारण टेस्ट जो है ना, मतलब कि ना ऐसा लग रहा है मेरे को, ठीक है समझे आप। जबकि मटन कोशा जो हमने बनाया था भाई, वो तो जबरानजा था, क्या फ्लेवर दिया था उसने। बट चिकन ना ऐसा कुछ जस्टिफाई नहीं कर पा रहा, मतलब क्या चक्कर है यार, क्या मालूम क्या गलती कर दी मैंने, कहाँ गलती कर दी मैंने यार, आप बता देना। और मुझे ऐसा लग रहा कि शायद मसाले भी कुछ ना जस्टिफाई नहीं कर पाए, मुझे क्या लग रहा है क्या हो गया यार, समझ नहीं आ रहा कुछ, मतलब गलती कहाँ पर है, क्या लग रहा आपको। भाई चिकन तो मैंने कर लिए, अब आलू देखता हूँ, आलू आलू में क्या टेस्ट आएगा। हाँ भाई खाओ से भी, लगा लगा के आलू को। आलू बड़ा टेस्ट दे रहा है यार, आलू अच्छा टेस्ट दे रहा है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में कह रहा हूँ। भाई क्या मालूम शायद ग्रेवी ऐसे, मतलब कि ना ऑल अलोन, मतलब कि कुछ टेस्ट दे ना पा रही हो, क्या मालूम इसको कुछ किंग का सहारा चाहिए होगा टेस्ट देने के लिए। और मैं किंग को लेके आता हूँ, देखता हूँ क्या दशा चेंज होती है टेस्ट में। तो लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है, किंग आज भी खिला खिला एंड वेरी गुड दिख रहा है, ठीक है जी। भाई देखो जी, देखो देखो, एक 1 2 3 एंड 4। तो आओ भाई आओ जी आओ, सबसे पहले किंग का स्वागत आलू से किया जाएगा। आलू ठीक है जी, अब देखते हैं कि क्या स्वाद आने वाला है जी इस किंग के साथ, जो कि गेम चेंजर कहलाता है पहले ग्रेवी के साथ। मेरे कुछ पकड़ में आ रही है कुछ गलती, मैं बताता हूँ आपको, शायद किंग ने बता दिया मेरे को कि
कि भाई तूने कहाँ गलती की हुई है। किंग कुछ बोल रहा है, मैंने आलू मिक्स कर दिया हुआ। बताओ मैं आपको गलती कहाँ पर हुई है। गलती कहीं पर भी नहीं हुई है भाई, गलती तो कर गया गरम मसाला, ठीक है। एक्चुअली क्या है कि मैंने गरम मसाला खुद से बनाया था, घर पे बनाया था। यार वो फ्लेवर ना जस्टिफाइड नहीं कर रहा है, मेरे को लगता है कि गरम मसाला ने ही सारा पंगा डाल दिया हुआ है, जो टेस्ट सारा ख़राब कर दिया ना वो गरम मसाले ने किया हुआ है। मैं गरम मसाले को ही आज कसूरवार मानता हूँ जी, शायद मैंने अच्छा नहीं बनाया वो, शायद वो जो गरम मसाला मैंने बनाया हुआ जी वो इस रेसिपी के लिए है ही नहीं है। मुझे किचन किंग यूज़ करना चाहिए था इस गरम मसाले के बदले जो मैंने बनाया घर पे। ये चक्कर हो गया यार, यही चक्कर है। पकड़ लिया भाई, रेसिपी इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ फाइन भाई। देखो अंग्रेजी बोलती साथ में है। तो मुद्दा यही है कि भाई गरम मसाला कर गया गड़बड़। तो आप बढ़िया सा गरम मसाला यूज़ करना, कोई रेडीमेड बाज़ार का, और प्लस अगर किचन किंग मिलता हो आपके यहाँ पर भाई आप वही यूज़ करना, बहुत ही बढ़िया टेस्ट देगा गारंटेड। यार मैं सोचूँ यार, मटन कोशा इतना बढ़िया बना था, हाँ तो इसे क्या हो गया फिर यार। तो भाई आखिर किंग ने गलती पकड़ी ली, ठीक है ना, बता दिया उसने भाई तेरा गरम मसाला ही बेकार है, समझा तू। बाकी रेसिपी तो बड़ी शानदार है, ठीक है, बढ़िया गरम मसाला यूज़ करना आप। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।